बॉलीवुड मूवीज में विक्की कौशल के भाई के नाम से फेमस और बतौर सपोर्टिंग एक्टर काफी मूवीज में कास्ट किए जा चुके सनी कौशल अपनी लेटेस्ट मूवी भंगड़ा पाले में एज एन लीड एक्टर रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सनी अपने भाई विक्की कौशल से एक्टर बतौर इन्फ्लुएंस नहीं हो पाए, लेकिन एज एन इंडिविजुअल विक्की कौशल उन्हें काफी इंस्पायरिंग लगते हैं। सनी कौशल की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी ही और अनजानी स्टोरीज जानने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौशल सरनेम आज इतना जाना माना सा लगता है कि सनी कौशल का नाम सुनते ही सभी फैंस ये अंदाजा लगा चुके थे कि सनी कौशल कहीं एक्टर विक्की कौशल के भाई तो नहीं, और ये बात सच ही निकली। विक्की कौशल एक्टर सनी कौशल के बड़े भाई ही हैं। सनी कौशल का जन्म 29 सितंबर 1989 को मुंबई महाराष्ट्र में एक मिडिल क्लास पंजाबी ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके ग्रैंड पेरेंट्स होशियारपुर पंजाब से बिलोंग करते थे। सनी के फादर श्याम कौशल एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं और उनकी मदर वीना कौशल एक होममेकर हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई महाराष्ट्र से की। पढ़ाई में हमेशा से ही ब्राइट स्टूडेंट रहे सनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया ही था कि उनकी एक्टिंग सीखने की लगन उन्हें कहीं और ही खींचने लगी और उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही ड्रॉप कर दी। स्टार्टिंग डेज में उन्होंने मकरंद देशपांडे के साथ काफी थिएटर प्लेज और स्किट्स में पार्टिसिपेट किया था जिससे उनकी एक्टिंग इम्प्रूव हो सके। सनी के फादर श्याम सिंह हमेशा से ये चाहते थे कि उनके बेटे उनकी हेल्प और पहचान से नहीं बल्कि अपने बलबूते एक्टिंग फील्ड में आए, और उनके इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए सनी ने न्यू दिल्ली के बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो को ज्वाइन किया। सनी के फादर उन्हें बचपन से काफी इंस्पायर करते आए हैं। उनके फादर 1978 में मुंबई आए थे, तब वो बतौर स्टंट्समैन काम किया करते थे। बहुत लंबे टाइम तक, बहुत सालों तक मेहनत और स्ट्रगल्स करने के बाद उन्हें एक रेप्यूटेड एक्शन डायरेक्टर का दर्जा बॉलीवुड ने दिया और उनका काम उन्हें हॉलीवुड तक पहचान दिला गया। अपने फादर के इसी हार्डवर्क से इंस्पायर होकर सनी ने जल्दी ही एक लो बजट डेब्यू मूवी सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रेवल्स से 2016 में बॉलीवुड में कदम रखा। उसी साल उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म लव एट फर्स्ट साइट और एक वेब सीरीज ऑफिशियल चुकिया गिरी में भी काम किया। इन सब के अलावा सनी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काफी मूवीज में दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, जिनमें से गुंडे और माई फ्रेंड पिंटो उनके असिस्टेंट्स में बनी दो मूवीज हैं। सनी चाहते तो अपने फादर की रेपुटेशन के दम पर जल्दी ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बना सकते थे। लेटेस्ट मूवी में बाजीराव मस्तानी, गुंडे, दंगल जैसी कई सुपरहिट मूवीज में उनके फादर ही एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं, तो उनके बेटे को इजीली बॉलीवुड में ब्रेक ना मिले ऐसा हो भी कैसे सकता है। फिर भी सनी ने सपोर्टिंग रोल्स करने से भी झिझक नहीं की और 2018 में अक्षय कुमार की गोल मूवी में हिम्मत सिंह का किरदार निभाया और उस मूवी में उनके रोल को काफी सराहा गया। सनी को अपने फादर की कही बात आज भी याद है कि तुम श्याम कौशल के बेटे हो ये जानकर कोई तुम पर इन्वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें खुद अपने टैलेंट के दम पर अपॉर्चुनिटीज लाकर खड़ी करनी पड़ेगी। और बस इसी वजह से सनी जब भी कभी ऑडिशंस देने जाया करते थे तब हमेशा वो अपना सरनेम सबसे छुपाया करते थे। उन्होंने 5 साल के लंबे समय तक काफी ऑडिशंस दिए, साथ ही भोजपुरी सिनेमा में भी अपना लक ट्राई किया। फिर एक दिन अपने टैलेंट के दम पर उन्हें अपनी पहली मूवी सनशाइन टूर्स एंड ट्रेवल्स में एक अनाथ का किरदार निभाने को मिला, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। सनी अपना आइडल अपने फादर और ब्रदर को मानते हैं। दोनों के ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े होने की वजह से उन्हें काफी कुछ उनसे सीखने को मिलता रहा है, लेकिन सनी कहते हैं कि उनके ब्रदर उन्हें एज एन एक्टर नहीं बल्कि एज एन इंडिविजुअल इंस्पायर करते हैं। क्योंकि वो उनके साथ बचपन से ही रहते आए हैं, वो ऐसा मानते हैं कि उन्हें उनकी एक्टिंग का लेवल देखने और सीखने के लिए उनके साथ किसी मूवी में काम करना पड़ेगा। बात की जाए उनके फेवरेट्स की तो सनी बचपन में आर्कियोलॉजिस्ट बनने का सपना देखते थे और इसी वजह से हिस्ट्री उनका ऑल टाइम फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। सनी को कैट्स काफी ज्यादा पसंद है और जब भी उन्हें कोई कैट मिलती है तो वो उससे खेलने लग जाते हैं। उनको म्यूजिक से बहुत प्यार है और वो काफी अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर भी हैं। उनके फेवरेट म्यूजिशियंस की बात की जाए तो एआर रहमान, गुरदास मान, द बीटल्स, बोहेमिया उनके फेवरेट म्यूजिशियंस हैं। सनी पंजाबी फैमिली से हैं और इसी वजह से वो नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, और सचिन तेंदुलकर हैं उनके फेवरेट क्रिकेटर। उनकी फेवरेट मूवीज की बात की जाए तो अंदाज अपना अपना, गुजारिश, रंग दे बसंती, द गॉडफादर, फॉरेस्ट गंप, लिमिटलेस, फाइट क्लब उनकी फेवरेट मूवीज के कुछ नाम हैं। मुंबई का एक रेस्टोरेंट द हाउस इन मुंबई उनका फेवरेट रेस्टोरेंट है, जहां उन्हें काफी बार देखा जाता रहा है। साथ ही उन्हें श्रीनगर सिटी भी काफी पसंद है।
उन्हें स्विमिंग करना, जिम जाना, स्क्वैश खेलना और बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक है। उनकी ऑल टाइम फेवरेट्स बुक्स में द सीक्रेट, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, नाओको और द एल्केमिस्ट के नाम शामिल हैं। उनकी प्राइवेट लाइफ में फिलहाल कोई गर्लफ्रेंड जैसी चीज नहीं है, वो एकदम सिंगल है और करियर फोकस्ड भी है। तो ये था एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो सनी कौशल की लाइफ पर। आप सनी को उनकी न्यू मूवी के लिए बेस्ट विशेस देना बिल्कुल मत भूलना। मुझे अंदर तक विश्वास है कि सनी आप भी अपने भाई और पापा की तरह लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे। इसी विश के साथ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।